हुण बोलना है परमात्मा दी अकल, हुण वेखना है परमात्मा दी मत, हुण खाना पीना है परमात्मा दी मत, हुण जीवना है परमात्मा दी मत, हुण हसना ते रोना है परमात्मा दी मत, हुण जीवना ते मरना है परमात्मा दी मत। हर अमृत वेले वत्ते का बीजिया, भगत खाए खर्च रहे निखुटे ना। अमृत वेला सच नाम वड़े आई विचार। धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी ने अमृत वेले की अपनी एक महानता अपने बोलां विच अपने शब्दों विच दर्शाई है। दरअसल देखा जाए प्रकृति ने जो साढ़े शरीर की यह सिरजना की है, इस विच रुत दा ते वक्त दा अपना प्रभाव है। मौसमी फिजां चारों पासे प्राकृतिक मंडल उदास दिखाई देता है। झड़ रहे ने पत्ते और चल रही ने हवावां, डोल दियां हुई शाखां अपना शिंगार बदल रही ने, उदास दिखाई दे रही, नगन दिखाई दे रही ने ये शाखां दरख्तां दियां। हो बहु मनुख ते मन की प्रकृति भी कुछ इस तरह जो है देखने को मिलती है। जर्रा जर्रा पत्ता पत्ता खिड़िया होया है। मौसमी बहार है, धरती ने मानो बड़ा सुंदर श्रृंगार किया है। किधरे पीले रंग का, किधरे गुलाबी रंग का, किधरे चिट्टे रंग का, इतने सुंदर श्रृंगारमयी वस्त्र धरती का चप्पा चप्पा सुहावना हो जाता है। यह मौसमी बहार मनुख के मन के अपना एक खास असर पाता है। गर्मी की रुत आ गई है, मन की हालत कुछ और हो गई है, ठंड आ गई है, शरीर ठिठर रहा है, तो रुत तो और समय तो मन प्रभावित है, तन प्रभावित है। सर्दी आ गई है, सानू कपड़े बदलने पैंदे ने, मोटे कपड़े गर्म कपड़े लभने पैंदे ने, और गर्मी मजबूर कर देती है गर्म कपड़िया नू एक पासे करन ते। हू बहु जो समा है, दिन दे चार पैर रात दे चार पैर, जिथे रुत दा असर है, मौसम दा तन ते मन ते असर है, उथे चार पैरां दा जिसनू समा कहंदे ने, वक्त कहंदे ने, इसका भी मन दे उत्ते तन दे उत्ते अपना प्रभाव है। आद काल तो संत जना दी पकड़ विच आई एक गल, रात का जो चौथा पैर है, अगर मनुख समय सिर वाकई रात दे पहले पैर दे अंत होंदे होंदे सौ गया है, तो शरीर दी नींद रात दे चौथे पैर दे आरंभ होंदे संपूर्ण हो जाती है, अखां खुल जांदियां। एक गल वखरी है, अगर मनुख समय दे मुताबिक सुता नहीं तो फिर मुश्किल है कि अमृत वेले ए उठ सके। वक्त सिर सौ गया नियम पूर्वक तो प्रकृति जगा देंदी है। असी देखते हां प्रकृति पंछियों नू जगा देंदी है, पशुओं नू जगा देंदी है, क्योंकि उन्हां दी नींद स्वाभाविक है, प्राकृतिक है। रात दे पहले पैर दे अंत होंदे आउंदे आ चिड़िया पंछी पशु करीबन करीबन सो जांदे। रात का चौथा पैर आरंभ होया है, चहचहांदे हुए पंछी उठ बैठते ने, गऊं उठ बैठदियां ने, बछड़े बोलन लग पैंदे ने गऊं दे। सारे का सारा पशु पक जगत समय तो प्रभावित है, वक्त सुलांदा है, वक्त जगा देंदा है। मनुख ने अपनी नींद नू प्राकृतिक नहीं रहन दिता, और किधरे किधरे अपने जागण नू भी प्राकृतिक नहीं रहन दिता। वैसे तो देखा जाए इहदा खान पान पैरान भी प्राकृतिक नियम के मुताबिक नहीं है। यही कारण है कि जैसे मनुख प्रकृति तो दूर होंदा गया,
परमात्मा तो भी दूर हुंदा गया। परमात्मा दे निकट आण लई इसनू प्रकृति दे निकट आना ही पएगा, प्रकृति दे प्रभाव नू कबूल करना ही पएगा और उहदी नियमावली नू जिंदगी दा अंग बनाना ही पएगा। तो बहुत पुराने समय तो जो अध्यात्मिक चिंतन करदे सन, हर वक्त मन नाल जिन्हां दी घोल रहिंदी सी, मन दी साधना ते तल ते जीण वाले अंतरमुखी पुरश, उन्हां दी पकड़ विच आया रात दा चौथा पैर भजन लई बड़ा सहायक है, बहुत सहायक है, मदद करदा है। किंज ने ढंग नाल भोजन कीता होवे रात नूं तो भोजन आलस पैदा करके नींद ले आउंदा है। ए नींद उस भोजन नूं पचा देंदी है और जब नींद पूर्ण तौर ते पचा देंदी है, भार हल्का आउंदा है, आलस मध्यम आउंदा है, ए जाग पैंदा है। दोबारा शरीर नूं भोजन दी लोड़ है ते हुण शरीर नूं भजन दी भी लोड़ है, मन भजन भी चाहुंदा है। इस समा कहिंदे ने 100 लुकमे दिन दे ते 1 लुकमा सुबह दा। सारी दिन दी साधना ते अमृत वेले दे 1 पल दी साधना बराबर हो जांदी है, समा मदद करदा है। धन गुरु नानक देव जी महाराज ते साफ कहिंदे ने, जे 1 होए तां उगवे रुत्ती हों रुत होए। 1 ते बीज ठीक होवे मुकम्मल होवे, पर बीजन वाली रुत भी ते चाहिदी है। मौसम दे अनुकूल जो किसान बीज नहीं बीजदा, सही ढंग नाल प्रफुल्लित भी नहीं होंदा, वो पूर्ण फसल नाल अपने घर के कोठे भर भी नहीं सकेगा। तो ये जो रात दा चौथा पैर है, इसनू साडे देश दे प्राचीन सनातनी ऋषियां ने कहा ये ब्रह्म मुहूर्त है, ब्रह्म दे चिंतन दा समय है, ब्रह्म नाल जुड़न दा वक्त है। इसनू धन गुरु नानक देव जी महाराज ने अमृत वेला आख्या, ऐसा समा जद अमृत दी वर्षा हो रही है। इसनू इस्लाम दे महान बानी मोहम्मद साहब ने कहा अलल सुबह, अल्लाह दी सुबह, अल्लाह दी सवेर, ओ सुबह जो स्वभाविक अल्लाह नू चेते करा देंदी। थोड़ी जिहा भी किसी मनुख दे अंदर अंतरमुखी होण दी जागृति है तो यह समा बहुत मदद करदा है, बहुत मदद करदा है। धन गुरु रामदास जी महाराज का फरमान, हर अमृत वेले वत्थे का बीजया भगत खाए खर्च रहे निखुटे ना। अंतस्करण दी धरती विच जो अमृत वेले नाम का बीज बो छड़दा है, बरकता नाल झोलियां भर जांदियां, और लोक परलोक अपना सुहेला कर लेंदा। इस समय जो जागे है और इस समय जो बंदगी विच लीन होया है, दुनिया भर दे बंदगी दे विच पुगे हुए पुरुष संत जन उस साधक तो फिदा जांदे ने, अवतारी पुरुष भी जो है सदके जांदे ने। भाई साहब भाई नंदलाल के कहंदे ने, शबद कुर्बान खाके राहे संगत दिले गोया हमी बस आरजू कर। एक कोई आरजू रह गई है, हे गुरुदेव अमृत वेले जिड़ियां संगतां थोड़े मार्ग ते चल पैंदियां ने, उन्हां दे कदमां दी खाक मैनू बना। वो कदम बड़े पावन ने, वो चाल बली महान है। अमृत वेले दी चाल गुरु दी तरफ, दरअसल परमात्मा दी चाल है। परमात्मा की तरफ चलना है और यह परमात्मा तक पहुंचने का एक महान वसीला है। भाई साहब भाई नंदलाल के इत्थे तक कहिंदे ने, थोड़ी जिहावी जिस किसी के अंदर जागृति पैदा हुई है, उसने एक गल समझ ली है कि अमृत वेले जो सुत्ता रह गया है, मानो उदी नींद हराम है, वो हराम सोया है। बेदारी अस्त जिंदगी ऐ साहेबान शौक गोया हराम करदन आइंदा ख्वाब सुबह। थोड़ी जिहा भी बेदारी जागृति किसी के अंदर पैदा हुई है, उस मनुख ने आइंदा दे वास्ते
अमृत वेदे का सोना मानो हराम कर चढ़ता है, भाव नहीं सौंदा। स्वभाव वो जागदा है और अमृत वेले तो लाभ उठाता है, उस समय तो लाभ उठाता है। भाई गुरुदास जी तो एक प्रार्थना कर दे अकाल पुरख के अगों, आप कहते ने नख सिसलो सगल अंग रोम रोम कर, काट काट सिखन के चरण पर वारी है। हे परिपूर्ण परमात्मा, मन की ए भाव दशा बनी है कि पैर दी उंगलियां दे नाखून तो लैके सिर दे केसां तक, नख सिसलो सगल अंग रोम रोम कर, समुचे शरीर दे रोम रोम दे टुकड़े कर दिते जान मेरे शरीर दे। मेरी ए चाहत, मेरी ए मंग, फिर इना टुकड़िया नू की करिए, काट काट सिखन के चरण परवारिए, इना नू कट कट के पुरजा पुरजा करके गुरु के जो सिख ने उन्हां दे कदमां तो सदके करो, उत्थे निछावर करो, फिर भी आखिर मास के टुकड़े ते बचनगे, की करिए। आप अगां चल के कहने ने अगन जराए ताहे पीसन पिसाए, ले उड़े पवन होए अनेक प्रकारी है। फिर मेरे मास दे टुकड़िया नू जला देना, बचियां रहन जो हड्डियां उन्हां नू पी देना, फिर पवन राणी दे चरणा च बेनती करनी, जोदड़ी करनी मेरी राख नू ते हड्डियां दे जरिया नू उड़ा के लै जाए। आप कहंदे ने अगने जराए ताहे पीसन पिसाए, ले उड़े पवन होए अनेक प्रकार ये। तो पवन उड़ा के ले जाए, आखिर पवन हर वक्त इस खाक नू और हड्डियां दे चूरे नू अपने कोल रख नहीं सकती, किधरे न किधरे ते सुटेगी। तो भाई जी कहंदे हां ये सुटे, पर किथे सुटे है? जत कत सिख पग धरे गुरु पंथ प्राप्त, ताहू ताहू मार्ग में भस्म को डारिए। जिधर किधर किसे भी शहर विच, किसे भी कस्बे विच, किसे भी थां ते सिख अमृत वेले उठ के सत्संग दी तरफ चल पया, पवन राणी नू कहना मेरी मांस दी खाक ते हड्डियां दे चूरे नू उसके कदमों के विछावे, उसके रस्ते विछावे। जत कत सिख पग धरे गुरु पंथ प्राप्त, ताहू ताहू मार्ग में भस्म को डारिए, तह पद पावक चरण लिव लागी रहे, दया के दयाल मोहे पथत उधारिए। हे परिपूर्ण परमात्मा, इस तरीके नाल मैं पथत दा भी उधार हो जाएगा। दरअसल अमृत वेले गुरु दी दिशा और जान वाले मनुख दे कदम अत्यंत पावन है, महान है। चाहो नाल उमंग नाल जो समय सत्संग दी तरफ चल पे है, जुड़ के कीर्तन सुन रहे है या बैठ के वाहिगुरु मन दा जप कर रहे है, देवी देवते उस तों फिदा जांदे ने, कुर्बान जांदे ने, सदके जांदे ने। भाई गुरदास जी ने इस संबंध जो एक पौड़ी की रचना की है, बेशकीमत है और बेमिसाल है। आप कहते ने चरणों दुख होए सुरसरी, तज बैकुंठ जगत विच आई, सुरसरी गंगा। मिथ ए कह रही है कि गंगा ब्रह्मे दे करमंडल दा जल है, विष्णु दे चरणां दा जल है, शंकर दियां जटावां दा जल है। ऐसा साडे देश दे प्रचलन है इस मिथ दा। करमंडल दा पाणी विष्णु दे चरणां ते डोले है ब्रह्मे ने, ए जल आण के गिरे है शंकर दियां जटावां च और उस दे चों ए निकली गंगा दी धार।
ठीक जैसे गंगोत्री बहुत उच्ची एक चोटी जब निकल दी है धारा छोटियां छोटियां जी लग दियां ने वाकई जैसे शंकर दियां जटावां और उन्हां दे चों टपकदा होया ए बूंद बूंद गंगा दा जल। खैर इस मिथ नूं जो रूप दिता है भाई साहब भाई गुरदास जी ने वो काबले सुनीद है। चरणों दुख होए सुरसरी तज बैकुंठ जगत विच आई 900 नदी 99-68 तीरथ अंग समाई। इस पृथ्वी देते 12 मास वगण वालियां नदियां भाई गुरदास जी की गिनती के मुताबिक 999 ने। एक घट हजार जो 12 मास दरिया बगदे ने। भाई जी कहने 999 नदियां देचों गंगा सिरमौर है। उसके जल की अपनी खूबी है। हर नदी का जल अलग अलग है। हर थां की वायु अलग अलग है। हर जगह रेत के जर्रे अलग तासीर रखते हैं। यही कारण है कि जब कभी किसी का कोई रोग औषधियां नाल ठीक ना हो तो पुराने हकीम कह दिता करते सन पानी बदल ले हवा बदल ले टिकाणा बदल ले। और ऐसा देखने दे चाया है वाकई टिकाने दे बदल दया आब हवा दे बदल दया वह तंदुरुस्त होया है वह ठीक होया है। हवा किसी शरीर लई अमृतमई हो सकती है। जल किसी शरीर लई अमृतमई हो सकता है। गंगा दा जल शरीर लई इतना लाभकारी मनिया गया कि प्राचीन जो वैद सन हकीम सन शरीर शास्त्री सन उन्हां दी रसना तो निकले ते अमृत है। इह ते शरीर लई लाभकारी है। दरअसल आत्म चिंतन करन लई अगर शरीर ठीक नहीं तो फिर मन दा आत्म चिंतन करना भी कठिन है औखा है। शरीर दा स्वस्थ होना लाजमी एक शर्त है। ते शरीर नूं स्वस्थ रखण दे च गंगा दा जल वाकई अमृत दा ही कम करदा सी। एक महान औषधि दा कम करदा सी। बहुत सारियां खूबियां इस विच देखियां गईयां। जड़ी बूटियां नाल स्पर्श करदी होई ए धारा जद मैदानी इलाके विच आउंदी है तो जड़ी बूटियां दा रस ते उना दी तासीर भी लेके आउंदी है। जद इसका कोई पान करदा इस जल दा तो शरीर नवा नरोआ हुंदा है। शरीर देते इस जल का अमृतमय प्रभाव पैंदा। एक गल वखरी है उस जमाने च कहा गया सी इस देश कपड़ा निचोड़ना और थुक सुटना महापाप है। जबकि बड़े बड़े शहरां दे गटर इस गंगा दे च पै रहे ने महापाप व्यापक पद्धर ते हो रहा है। महान गुनाह व्यापक पद्धर ते हो रहा है। अमृतमयी जल नूं किसी हद तक विष बनाया जा रहा है। मनुख ने जैसे अपना जीवन विष बना लिया है ये अमृतमयी हवा नू अमृतमयी जल नू थां थां ते विष बनाण दे जो है तुलिया होया है। किधरे दी हवा खराब की थी और किधरे नदी नालियां दे जल दे प्रवाह नू इसने खराब किया है गंदा किया है मलिन किया। खैर ये एक अलग विषय है। ये जल अमृतमयी है। इस वास्ते भाई साहब भाई गुरदास जी कहंदे ने 999 नदियां दे चों गंगा सिरमौर है। 900 नदी 99-68 तीरथ अंग समाई। 68 तीरथ इसके किनारे ते बने हैं। देव प्रयाग रुद्र प्रयाग करण प्रयाग ऋषिकेश हरिद्वार बनारस प्रयागराज का संगम इत्यादि छोटे वड्डे तीरथ इसके तट ते बने हुए हैं। तीर्थां दी शोभा बनी हुई है। तीर्थ गंगा दे तट ते सुभायमान दिस रहे ने। थां थां ते तीर्थां ते जाके लोकी अपना तन मन इशनान द्वारा सही करन दी कोशिश दे च लगे रहिंदे ने। तो भाई जी कहिंदे 68 तीर्थ गंगा दे तट ते बने हुए ने। 68 तीर्थ अंग समाई। पहलो की परवान है महादेव लै सीस चढ़ाई। इसकी महिमा तीन लोगों दे छे।
और शिवजी ने इसनों अपने मस्तक दे स्थान दित्ती। देवी देव सरेवड़े जय जय कार बड़ी बड़े आई। बड़ी महिमा है, बड़ी उपमा है। देवी देवते तक उपासना कर देने, नमस्कार कर देने, जद वगदा होया इतना अमृतमयी जल, इतनी वड्डी धारा, तो दिस पैंदा प्रभु दी बहुत वड्डी बख्शिश, बहुत वड्डी रहमत। कहिंदे ने सालां बद्दी भी गंगा दा जल बोतलां च रख दईए गंदा नहीं हुंदा, बदबूदार नहीं हुंदा, वो अपनी असलियत गवांदा नहीं। ऐसी एक औषधि है, जैसे जैसे पुराना हुंदा जाए उहदे च नवीनता निखार आंदा जांदा है। तो वाकई ये जल जल ना होके अमृत है। लेकिन हुण भाई साहब भाई गुरदास जी जो अपना नजरिया अंकित करते ने, वो भी अपनी महानता रखता है। सन गंगा बैकुंठ लख लख बैकुंठ नाथ लेवलाई। एक गंगा नहीं लखा, और एक ब्रह्मे दे करमंडल दा जल नहीं लखा, ब्रह्मंड है करमंडल दा जल जो ब्रह्मे दे हथ विच होवे। एक शिवजी नहीं लखा ही शिवजी दे मस्तक दा जल, और एक विष्णु नहीं लखा ही विष्णु दे चरणा दा जल। सन गंगा बैकुंठ लख, और एक बैकुंठ नहीं लखा बैकुंठ, लखा गंगा, लखा विष्णु दे चरणा दा जल, लखा ही शिवजी दे मस्तक दा जल, और लखा ही ब्रह्मियां दे करमंडलां दा जल। सन गंगा बैकुंठ लख लख बैकुंठ नाथ लिवलाई। साधु धूर न पुजनी साध संगत सतगुरु शरणाई। अमृत वेले सत्संग विच बैठ के जो अपने मन दी साधना कर रहा है और सुरत शब्द विच जोड़ के बैठा है, भाई गुरदास जी कहिंदे ने उसके कदमां तों लखां गंगा कुर्बान कीतियां जा सकदियां, सदके कीतियां जा सकदियां। वो इतना महान है। सतगुर की बाणी ते खुल के कहती है, जन के चरण तीरथ कोट गंगा। ऐसा जो पुरुष है उदे चरणा की जड़ी धूर है, मानो करोड़ा गंगा का इशनान है। उसका आत्म चिंतन अमृत वेले का चरण जिथे रखेगा रेत दे सरिया नूं अक्सीर बना देगा। इतनी महानता है उस समय साधना करन दी। देखिया जाए पंछियों के खूबसूरत नगमे हैं उस समय सुनन नूं मिलते हैं, चहचहाट कलोल खेड़ा ते खुशी। ऐसे समय अगर कोई सुत्ता रह गया है तो उस तो ज्यादा होर कोई बदकिस्मत नहीं है। और उस समय जो उठ बैठा है आत्म चिंतन लई रूहे जमीन विच, उस तो ज्यादा खुशकिस्मत लभना भी औखा है। वह महान खुशकिस्मत मनुख है। धन गुरु नानक देव जी महाराज का फरमान, परिपूर्ण परमात्मा दे चरणा दे सब तो वड्डी जिहड़ी भेट है वो भेट अमृत वेला ही है। बस उस समय नूं तू परमात्मा दे अगों रख भाव, वो समा परमात्मा लई है। धन कमाण दा अलग वक्त, भोजन छकण दा अलग, शरीरक क्रियावां दे अलग समय, और समाजिक संबंध, आर्थिक रिश्ते, राजनीति दा वेला, इस दे लई अपने अपने समय ने। पर रात दा चौथा पैर प्रभु नाल मिलन दा समय है, ईश्वर नाल जुड़न दा समय है। इस समय नूं तू ईश्वर दे ही अर्पण कर, प्रभु दे अर्पण कर। ये समा अपने कोल ना रखें, सुता ना रह जाएंगे, उठ उस समय। और ये उठना एक बंदगी है, उठना एक इबादत है। यही कारण है कह दिता गया ए सुबह सुबह अल्लाह दी है, ए सुबह ए सवेर ए महूरत ब्रह्म है, ए समा अमृत वेला है, अमृत दी बरखा हुई है। दरअसल कहिंदे ने उस समय माया सुती पई हुंदी है। माया दे सुते रहने तो मुराद ए है, अक्सर लोग सुते पए ने, तो दुनिया जे सुती पई है तो बोल भी बंद ने। करीबन करीबन नवे फीसदी जो मनुख दे बोल होंदे ने, समाजिक होंदे ने,
आर्थिक आते ने राजनीतिक आते ने और उन्हां बोलां दे नाल वातावरण मलीन आता है। उन्हां बोलां दियां तरंगां चारों पासे छा जांदियां ने। नवें नवें इबादत करन वाले बंदे नूं ध्यान साधना करन वाले बंदे नूं ए बोल और उन्हां बोलां दियां तरंगां प्रभावित करदियां ने, नाम जुड़न दे च बाधा खड़ी कर देंदियां ने। तो जगत ते सुत्ता पे है, ए तरंगां पैदा नहीं हो रहियां। ऐ मनुख तू उठ बैठ, अपने अंदरों अध्यात्मक तरंगां पैदा कर, ताकि परमात्मा की बख्शिश जो बरस रही है ओदा तू पात्र बन सके और अपनी झोली दे जो है पा सके। धन गुरु नानक देव जी महाराज ने इसनु ऐसा कहा, अमृत वेला सच नाम वड़ियाई विचार। अमृत वेले उठ के सच्चे नाम का चिंतन तो उस वड्डे दिया वड़ियाइया दी विचार तो कर। एक गल वखरी है कि दिन भर भी तू विचार कर सकता है, पर ओ तरंगा उस विचार नु गहरा नहीं जान देनगियां जो चारों पासे फैलियां होईयां ने। रात नु शरीर विश्राम दे जाना चाहता है तो शरीर की चेतना शरीर की शक्ति सारी सुकड़ रही है, मुश्किल है। उस समय तू संघर्ष करके प्रभु का जो है चिंतन कर सके। ये समा ये वक्त मदद करता है। जैसे पहाड़ ते एक मनुख निर्भर होके चल रहा है, पर एक ने सिर दे ते एक मन का वजन रखे होया है, तो कठिन होवेगा उसनु जो है चढ़ना। अमृत वेले मनुख निर्भर होंदा है, दिल दिमाग ते कोई बोझ नहीं होंदा। वो समा